संत निरंकारी मिशन ने रविवार को मानवता दिवस पर रामपुर बुशहर के खनेरी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर एचयूएन के रामपुर जल विद्युत परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संत निरंकारी मिशन की कार्यपद्धति सराहनीय है। अनुशासन, समर्पण और निष्ठा के साथ काम कर मिशन के सेवक मानवता एवं भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान कार्यकारी निदेशक के साथ आए मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेक सुरीन ने रक्तदान के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, जहां भी रक्त की आवश्यकता महसूस हो वे स्वयं भी आगे आते हैं और अब तक वे 129 बार रक्तदान कर चुके हैं। इस शिविर को सफल बनाने के लिए बागीपुल, कुरनू, कुमारसेन, रामपुर, घराट व सराहन के संगत ने हिस्सा लिया। निरंकारी मिशन रामपुर शाखा के निर्मल सोनी ने बताया कि संत निरंकारी मिशन लगातार 1986 से रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहा है। संत निरंकारी मंडल रामपुर खनेरी ब्रांच में भी 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। ये प्रयास मानवता की सेवा के लिए किया जा रहा है। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। देश कैसे चल रहा है? तो देश आप जैसे लोगों के बदौलत चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में 265 जगह, 27 कंट्रीज से ज्यादा, और उसके बाद जो आप लोगों में जो सिंप्लिसिटी प्लस जो त्याग की भावना है, रियली इसके लिए मैं थैंक कर जी। लगातार 1986 से इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता रहा है, और जब प्रथम ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था 750 यूनिट का ब्लड दिया गया था, और आज तक 2022-31 मार्च तक का जो आंकड़ा 11,58,668 यूनिट अभी तक ब्लड डोनेट कर दिए हैं। और आज के दिन पूरे भारतवर्ष में 265 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत निरंकारी सत्संग भवन खनेरी में भी आज इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारा लक्ष्य है लगभग 100 यूनिट देने का है, लेकिन डॉक्टर का आग्रह कि अभी 50 यूनिट दें, 50 यूनिट रिजर्व रखें।